dishes. Well, chicken. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर आफियत होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपना व्लॉग अब यहीं से शुरू कर रही हूँ। सुबह ऑफिस था, आपको मैंने बताया था फ्राइडे के दिन मेरा ऑफिस थोड़ा सा टफ होता है, तो सारे ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह फिर फ्रेश हो के और अब फाइनली हम बाहर निकल रहे हैं। तो आज जुम्मे का दिन था, तो मेरा प्लान था कि जुम्मे के दिन ही शेख जैद ग्रैंड मॉस का हम विजिट करेंगे। सो टुडे इज दैट डे अल्हम्दुलिल्लाह। सो मौसम दोपहर के टाइम तो बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया। लाइक अभी टाइम हो रहा है 6:30 समथिंग, तो वहाँ पहुँचते। सो माई प्लान वॉज के मगरिब वहीं पे पड़ी जाए, बाकी देखते हैं। अगर थोड़ा सा और लेट हो तो मैं पढ़ के ही निकलूंगी। बाकी जो भी रूटीन होती है आज के हम शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वो मस्जिद मैंने सुना है बहुत बहुत खूबसूरत है। तो आज जाके मैं खुद भी एक्सप्लोर करती हूँ कि वाकई इतनी खूबसूरत है या लोग ऐसे ही कहते हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो दिस इज दी वन ऑफ द फेमस अबू धाबी बिल्डिंग्स। इसे पाइनएप्पल बिल्डिंग कहते हैं। यहाँ के मुझे लोकल्स ने बताया था, इस बिल्डिंग का जो पूरा इन्होंने आर्किटेक्ट पूरा बनाया है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़ा सा फैन स्टाइल में लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ यू नो पाइनएप्पल का जैसे बाहर का लेयर होता है वैसा। And this is some fruit shop and just check out their packing, man. So, मस्जिद में एंटर होने के लिए हमें एक पास चाहिए होता है। तो पास में आपके जितने भी लोग हों, कोई एक मेंबर जाके पास खरीदता है। थोड़े से कंप्यूटर सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं, तो वहाँ से पासेस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक्सेस उनसे मिलेगा पासेस का। देन वी कैन एंटर टू द मस्जिद। सो पास का एक्सेस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। दिस इज़ द वेटिंग एरिया, क्या हम यहाँ पर बैठे हैं वेट कर रहे हैं। जब तक आपका पास एक्सेस आ जाएगा, फिर यू विल गुड टू गो। So yes, this is Abu Dhabi Grand Mosque. This is how it looks. It's all night view. मैं यहाँ पहुँचते मुझे मगरिब हो गई थी, तो yes, beautiful. Let's go inside. रोप्स हैं, यू कैन सी यहाँ पे भी रोप्स हैं। वी कांट डू देयर, दिस इज देयर ट्रेडिशनल, यहाँ के कपड़े पैंट्स, चेक आउट द वाइब्स। गाइस रिव्यू टाइम। कुछ चीज़ें मैं आपको इस मस्जिद की, इस मॉस्क की बता दूं। शेख द
ग्रैंड मॉस्क, ये अबू धाबी की रब्बे के सबसे बड़ी मॉस्क है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ड्रेस कोड्स हैं, आपको प्रेजेंटेबल वे रिस्पेक्टिव वे में ही अंदर जा सकते हैं, आप बिना हेड कवर के अंदर नहीं जा सकते। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए शॉर्ट्स अलाउड नहीं है एंड स्किन फिटिंग वाले भी कपड़े अलाउड नहीं है। सो अगर किसी का भी यहाँ आने का प्लान और नहीं पता इफ के क्या रूल्स हैं, तो दिस इज़ द रूल्स। और यहाँ आके एक एक्सेस पास लेना होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पर आपको अपनी एंट्री, अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होती है जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ साथ। वो फिर आपको एक QR स्कैन कोड देते हैं, वो पूरे थ्रू आउट मॉस्क में आपको जगह जगह चेक कर रहे होते हैं। बट अब मैं आर्किटेक्चर की बात करती हूँ, इतना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब यहाँ ये 1996 में बनना शुरू हुई थी और 1996 नवंबर में शुरू हुई थी एंड देन 2007 के दिसंबर, 19 दिसंबर में पूरी कंप्लीट हुई थी। मतलब क्या, मतलब उसे क्या कहते हैं, क्या शैंडलियर है, क्या लाइट्स है, क्या कारपेट्स है, अमेजिंग। मतलब इट इज़ अ मस्ट विजिट, मतलब सीरियसली। सो अब यहाँ से फ्री हो गए और अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। तो लेट्स गो, पहले मुझे अलवादा मॉल जाना है, वहाँ से मैंने अपनी ज्वेलरी ली थी तो उसका वेट टैक्स होता है, तो वो पूरा लूँगी देन आई विल गो फॉर अ डिनर। सो लेट्स गो। तो वी आर हेयर इन ज़ेरत लबनान, सॉरी, एंड इट्स अ बेसिकली लेबनीज रेस्टोरेंट। सो यहाँ का खाना मैंने सुना बहुत अच्छा है, सो आज हम यहाँ पे आए हैं। और एज यूजुअल मुझे थोड़ा सा हो गया माइग्रेन, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा तो खाना ही है, वरना और ज़्यादा माइग्रेन ना हो जाए। तो मैंने ड्रिंक मंगवाई है, या मिक्स ग्रिल्ड चिकन, वन बोनलेस चिकन एंड सम स्पाइसी पोटैटोस, फिर आलू तो मस्त है ना, फिर और फिर इनका कुछ था मिंट कूलर या मिंट लेमिनेट्स सॉर्ट ऑफ, वो ऑर्डर किया। सो या लेट्स सी कैसा होता है खाना। और ये टोर्टिया इनकी तंदूर की, एंड हेयर कम्स स्पाइसी पोटैटोस, बोनलेस चिकन ग्रिल प्लेटर एंड दिस इज मिक्स ग्रिल प्लेटर। लेट्स ईट, दिस इज हेयर। Very refreshing. Yo, so review time. Food was indeed amazing. Thank you, Zahrat Labnan, for serving us. See you again. Kabhi log main yahi end karti hu. Umeed karti hu acha laga hoga. Aur channel ko like, share, subscribe aur comment karna na bhuliyega. And guys, bell icon bhi dabaiyega taaki meri aane wali har video aapko pata chal jaye. So apna bahut bahut khayal rakhiyega, apna, apne ghar walon ka, mera, mere channel ka. Allah Hafiz. Good night. Shab khair.